और कुछ लोग कुछ विशेष लोगों को ये पेपर में कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। यूपी पुलिस मना कर रही है, कह रही है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लोगों के साथ ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। हुआ क्या है कि उनके पास डायरेक्ट था, उन्होंने सीधा गोला मार दिया, पूरा रटवाया गया है पूरी तरीके से उनको। एक दो दिन पहले वहाँ पे 16 फरवरी डेट सहित जब हम मेंशन करते हैं टेलीग्राम पे तो उसमें डेट किस डेट को आया है, इस सीधा सीधा 16 फरवरी को शाम को पेपर लीक हुआ है। हाँ सर, इसको कैंसिल कर देना चाहिए, नहीं आने वाले आगामी चुनाव में युवा शक्ति इनसे आर ओ का पेपर, सर 10 लाख लड़के थे वो पेपर लीक हुआ है, 50 लाख लड़के सर इसमें हैं वो इनसे प्रताड़ित हैं, इसके बाद आप पेपर करवा नहीं पा रहे, मतलब ही क्या है? आप क्या करेंगे, अब इलेक्शन बाद ले जाने की कोशिश करेंगे। 17-18 फरवरी को एग्जाम होने के साथ ही पेपर लीक की शिकायत। पहले धोखा होता मेरे साथ, योगी जी मांगू न्याय की भीख, पुलिस का पेपर हुआ है लीक, मैं कटोरा लेकर आया हूँ 50 लाख अभ्यर्थियों के लिए, और जब तक ये री एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक लिखित आदेश नहीं मिल जाता है, यहीं बैठेंगे, बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि अब लखनऊ पुलिस ने भी माना है कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे लगता है कि 17 और 18 फरवरी को पुलिस में भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हुआ था। इस मामले में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर रामबाबू ने जो FIR दर्ज कराई है उसके मुताबिक इंस्पेक्टर रामबाबू 18 फरवरी को लखनऊ के अलीनगर इलाके में एक एग्जामिनेशन सेंटर में तैनात थे। वहां सेकेंड मीटिंग के एग्जाम में एक परीक्षार्थी को पर्ची से नकल करते पकड़ा गया। उसकी तलाशी लेने पर एग्जाम के कई सवालों के जवाबों की पर्चियां मिली। पूछताछ के बाद अमन कुमार नाम के इस कैंडिडेट ने बताया कि उसको तो दूसरी पाली का पेपर दोपहर 12 बजे ही मिल गया था। नकल के आरोपी अमन कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके एक परिचित ने दूसरी पाली का पर्चा दोपहर 12:56 पर शेयर किया था। इसके बाद उसने जवाबों की पर्चियां तैयार की और नकल करके एग्जाम दिया। पुलिस ने जब अमन कुमार का मोबाइल चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर दोपहर में आया एग्जाम का पेपर मिल गया। उसके सारे सवाल एग्जाम सेंटर में बांटे गए पेपर से मिल रहे थे। लीक पेपर भेजने वाले ने उसको सारे आंसर्स भी भेजे थे। इंस्पेक्टर रामबाबू की तरफ से दर्ज FIR में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि 18 फरवरी को पुलिस भर्ती की दूसरी पाली की परीक्षा एग्जाम से पहले लीक हो गई थी। जो बात FIR में लिखी है वही बात हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को कुछ छात्रों ने बताई। कन्नौज के एक परीक्षार्थी का दावा है कि पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो पेपर 3 बजे से होना था उसकी कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप पर दोपहर 12:05 पर अवेलेबल थी और उसमें जो क्वेश्चंस लिखे थे वो सारे के सारे 3 बजे दिए गए पेपर वाले थे। सर, इस भर्ती में शुरुआत से ही जल्दबाजी रही और जल्दबाजी का ही परिणाम है ये पेपर बड़े स्तर से आउट हुआ। सर, 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है वो सर इतने बड़े पैमाने पे आउट हुआ है कि हर जगह बच्चों को फ्री में पेपर दिया गया, जो पेपर पैसे से मिलना चाहिए था वो फ्री में मिला। 12:05 पे लड़के ने मेरे पास भेजा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ फोन पे। परीक्षा कितने बजे से थी? 3 बजे से? 3 बजे से परीक्षा थी, 12:05 पेपर मेरे पास आ गया था। सर, सरकार और पुलिस तो बोल रही है कि पेपर से अब लीक नहीं हुआ है। सर, पेपर तो लीक हुआ है, ये देखिए सर, ये लड़का 12:05 पे, अब ये देखिए, ये ग्रुप है और उस ग्रुप में अभिषेक अयोध्या आरओ, ये कौन है अभिषेक? ये सर जानते तो नहीं है भाई फेस, लेकिन ये लड़के ग्रुप में जुड़े हुए थे। अच्छा। उसी ग्रुप में हम भी जुड़े हुए। इनकी तरफ से 12:05 पर ये सुबह का है वायरल हो गया है, यानी कि 3 बजे का पेपर दोपहर में 12:05 पे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद था। इसमें सारे सवाल सेम थे या कुछ अलग भी थे? सारे सवाल सेम थे सर, ये इतना कायदे से लिखा गया है कि ऐसा प्रतीत हो गया जहां पेपर बनाया गया सर वहीं से आउट किया गया ये पेपर। सुल्तानपुर से पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम देने आए एक कैंडिडेट सत्य प्रकाश ने दावा किया कि पेपर तो वहीं से लीक किया गया जहां पर इसे पब्लिश करने के भेजा गया था। सत्य प्रकाश ने अपने फोन में वो पेपर भी दिखाया जो उसे इम्तिहान शुरू होने से पहले ही मिल चुका था। 17 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, सेकेंड शिफ्ट का पेपर मॉर्निंग में ही पूरा टेलीग्राम व्हाट्सएप पे टहल रहा था। उसके बाद इंश्योर सहित समस्या ऐसी है कि जहाँ से पेपर बना हुआ है ऐसा लग रहा है वहीं से लीक हुआ, क्योंकि सिस्टम पूरा पेपर इस हिसाब से पूरा पेपर जिस हिसाब से मैटर छपा हुआ था, पेपर छपने से और पेपर छपने के बाद पैकिंग के बीच में ये धांधली हुई है, जिसके बाद में पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के साल्वर मिल करके इसको इंश्योर सहित पेपर लीक किए, उन्होंने इसको 2,000 रुपये 5,000 रुपये लाखों में बेचा, और कुछ लोग कुछ विशेष लोगों को ये पेपर में कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। यूपी पुलिस मना कर रही है, कह रही है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लोगों के साथ ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। हुआ क्या है कि उनके पास डायरेक्ट था, उन्होंने सीधा गोला मार दिया,
पूरा रटवाया गया है पूरी तरीके से उनको एक दो दिन पहले, वहाँ पे 16 फरवरी डेट सहित जब हम मेंशन करते हैं टेलीग्राम पे तो उसमें डेट किस डेट को आया है, इस सीधा सीधा 16 फरवरी को शाम को पेपर लीक हुआ है। हाँ सर, इसको कैंसिल कर देना चाहिए, नहीं आने वाले आगामी चुनाव में युवा शक्ति इनसे आरओ का पेपर, सर 10 लाख लड़के थे वो पेपर लीक हुआ है, 50 लाख लड़के सर इसमें हैं वो इनसे प्रताड़ित हैं, इसके बाद आप पेपर करवा नहीं पा रहे हैं, मतलब ही क्या है, आप क्या करेंगे, अब इलेक्शन बाद ले जाने की कोशिश करेंगे। 17-18 फरवरी को एग्जाम होने के साथ ही पेपर लीक की शिकायतें आने लगी थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई। ये कमेटी यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड की चेयरपर्सन रेणुका मिश्रा की तरफ से बनाई गई। इस कमेटी की अध्यक्षता एडीजी अशोक कुमार सिंह को सौंपी गई थी। कमेटी ने एग्जाम में बैठने वालों से आज शाम 6 बजे तक पेपर लीक के सबूत देने को कहा था। इसके अलावा यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पूरे राज्य में छापे मारकर लगभग 250 लोगों को पेपर लीक करने और सॉल्व करने के इल्जाम में अरेस्ट भी किया था। आज परीक्षार्थियों के एक डेलीगेशन ने सरकार की जांच कमेटी से मुलाकात करके अपने पास मौजूद पेपर लीक के सबूत सौंपे थे और अपनी मांगों का मेमोरेंडम भी अधिकारियों को सौंपा। कमेटी के सदस्यों से मिलने के बाद कैंडिडेट्स ने कहा कि उनका आंदोलन आगे भी चलता रहे। डीसी मैम से मिलने आए थे, ज्ञापन दिया है उनको, बहुत सारे एविडेंस दिए हैं पेपर के जो लीक हुआ है, उसके सोशल मीडिया के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स दिए हैं और वो सारे एविडेंस, बहुत सारी FIR हुए हैं वो भी उनको प्रोवाइड कराई है। ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों ने भेज भी दिए हैं पहले से, बहुत सारे बच्चों को ये एक मेल आईडी दी गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप हमें वो एविडेंस भेजिए, तो बच्चों ने भी ऑलरेडी भेज चुके हैं और बाकी हमने अभी एक प्रॉपर ज्ञापन दिया है। तो मैम ने अभी उसके लिए आश्वासन दिया है 1-2 दिन का, कि 1-2 दिन का समय आप हमें दीजिए, देन हम डिसीजन लेते हैं। तो अभी आप लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इको गार्डन में, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, हमारा शांतिप्रिय प्रोटेस्ट है।